गुप्ता एंड गुप्ता सोइल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 1, रेसिडुअल सोइल्स आर फॉर्म्ड बाय। तो रेसिडुअल सोइल्स वो सोइल्स होती हैं जो अपनी जगह पर ही डिपॉजिट हो जाती हैं। तो ये ग्लेशियर, विंड और वाटर तीनों ही ट्रांसपोर्टेड सोइल हैं। तो फर्स्ट का डी इज़ द राइट आंसर। और कुछ पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट जो हम देखते हैं। ग्लेशियर जो होती है, ग्लेशियर टिल ड्रिफ्ट या डिपॉजिट बाय आइस होती है। पॉइंट नंबर 2, विंड। विंड सोइल एओलियन सोइल है और इसको लोइस भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3, वाटर से ट्रांसपोर्टेड होने वाली एलुवियल सोइल होती है। ग्रेविटी से कोलुवियल और टॉलस सोइल होती है। रेसिडुअल सोइल के बारे में लिख रखा है, डिपॉजिट अवर सेम पोजिशन, इट डज नॉट ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वाटर कंटेंट जो है, इसके बारे में एक चीज़ जान लेते हैं, वही है कि ये ग्रेटर देन 100% हो सकती है। मतलब वाटर कंटेंट किसी भी सोइल में 100 से ज़्यादा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोइल इज ट्रांसपोर्टेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ग्रेविटेशनल फोर्सेज अभी पढ़ा है, टॉलस है, लॉइस विंड से, ड्रिफ्ट आइस से, सैंड्यून्स विंड से। 4, सैचुरेटेड सोइल इज सेड टू बी। फुली सैचुरेटेड सोइल जो होती है, टू फेस सिस्टम होता है, क्योंकि फुली सैचुरेटेड मीन्स जो भी वॉइड्स थे सब हमारे पानी से फुलफिल हो गए हैं। तो टू दो ही बचे हैं फेस, उसमें एक तो सॉलिड और एक वाटर। तो सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, वैलिड रेंज फॉर एस, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेज इज। तो एस जो है हमारा 0 के बराबर और 100 के, मतलब कम्प्लीटली सैचुरेटेड हो सकता है तो हो जाएगा 100%, और कम्प्लीटली 0 होगा तो हो जाएगा ड्राई। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 और 100 के बराबर हो सकता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, समवट डेंसिटी ऑफ सॉइल इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा डी, गामा डब्ल्यू, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जी है, वॉइड रेशियो ई है। तो गामा समर्स का एक फॉर्मूला आता है, गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 प्लस ई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके कुछ और भी पॉइंट्स है, समर डेंसिटी तो हमने निकाल ली, और भी डेंसिटी निकालने के फॉर्मूले देख लेते हैं हम। गामा समर्स का तो गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई हो जाएगा। गामा बल्क का पूछ लेता है, इससे ही निकल जाते हैं सारे गामा बल्क से। तो गामा बल्क जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। जो चेंज हो रहा है वो जी के साथ हो रहा है, जी प्लस 1 की जगह एस ई आ जाएगा, मतलब होल फॉर्मूला, बल्क मतलब होल फॉर्मूला पूरा प्लस एस ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ई एस डब्ल्यू जी होता है ना, तो इसमें वहीं से ही जी की जगह जो है जी ई एस डब्ल्यू जी होता है ना, तो जी की जगह एस ई आया है यहाँ पर। गामा अगर सैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड है तो एस जो होगा हमारा 1 हो जाएगा, तो जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई हो जाएगा। अगर हमारा गामा डी है, मतलब ड्राई डेंसिटी निकालनी है, ड्राई डेंसिटी में जो है वॉइड रेशियो भी हमारे हट जाते हैं, तो जी एस मीन्स ग्रेविटी ऑफ सॉलिड गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये चारों फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बल्क डेंसिटी दे रखी है 22, ड्राई डेंसिटी निकालनी है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जी एस गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई का। तो गामा डी का एक फॉर्मूला और होता है, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो वहीं से जो सॉल्व करेंगे 22 अपॉन 1.1, तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। इफ़ द वॉइड ऑफ सोइल मास आर फुल ऑफ एयर, फुल ऑफ एयर होगा तो सोइल कौन सी होगी, ड्राई होगी। क्वेश्चन नंबर 9, वैलिड रेंज ऑफ वॉइड रेशो, वॉइड रेशो की वैलिड रेंज फॉर एन, पोरोसिटी की, पोरोसिटी वी वी अपॉन वी होता है तो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इज कितने हो जाएंगे, वो जीरो बिल्कुल कम्प्लीटली तो हो नहीं सकते, तो जीरो और हंड्रेड के बीच में रेंज रहेगी, मतलब जीरो से एक के बीच में उसकी रेंज रहेगी, ना तो जीरो नहीं हो सकता ना एक हो सकता। अब आती है यूनिट वेट ऑफ ड्राई इज़ ग्रेटर देन वेट सॉइल, पहला ऑप्शन करेक्ट बताना है इसमें। ड्राई सॉइल यूनिट वेट ऑफ ड्राई इज़ लेस देन टोटल यूनिट वेट, जो ड्राई होता है वो कम होता है यूनिट टोटल यूनिट वेट के, ठीक है। और ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन दे रखा है, थर्ड ऑप्शन है यूनिट वेट ऑफ सोइल इंक्रीज ड्यू टू सबमर्ज इन वाटर, मतलब जो है पानी में जितना पानी जाता रहेगा उतनी ही सबमर्ज होता रहेगा तो यूनिट वेट बढ़ता रहेगा, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन क्या है, यूनिट वेट ऑफ सोइल डिक्रीज ड्यू टू सबमर्ज इन वाटर, बिल्कुल सही कि जितना सबमर्ज होती रहेगी, पोर्स फुल होते रहेंगे पानी से तो यूनिट वेट घटता रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और आती है जो कि हमें जाननी ज़रूरी है कि यूनिट वेट जो है, ए जो है यूनिट वेट ऑफ ड्राई इज स्मॉलर देन द यूनिट वेट ऑफ वेट, दूसरा है फॉर ड्राई सॉइल और सैचुरेटेड सॉइल टोटल वेट इज इक्वल टू सेम, बिल्कुल सही। ड्राई सॉइल हो या सैचुरेटेड सॉइल हो, जो टोटल वेट हो जाता है ना, बल्क वेट हो जाए वो इक्वल हो जाता है। पहले ऑप्शन में तो ये था कि यूनिट वेट जो है ज़्यादा होता है यूनिट वेट ऑफ वेट से, जबकि ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर हमने 1 पढ़ा था, उसमें लिखा था यूनिट वेट ड्राई इज ग्रेटर देन द यूनिट वेट ऑफ वेट, ऐसा नहीं होता कि यूनिट वेट ऑफ ड्राई इज स्मॉलर देन द यूनिट वेट ऑफ वेट, ठीक है। यूनिट वेट जो है उसमें ऑप्शन में दे रखा है ड्राई का ज़्यादा होता है वेट से, जबकि स्मॉलर होता है, ठीक है। और गामा डी है, गामा सैचुरेटेड इक्वल हो जाता है बल्क के। तीसरा यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीज ड्यू टू सबमर्ज इन वाटर, तभी तो गामा सबमर्ज सबसे कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये देख लो, गामा सॉलिड सबसे ज़्यादा है, गामा सैचुरेटेड, फिर बल्क, फिर ड्राई, फिर सबमर्ज, ठीक है। और सबमर्ज होता है वो सैचुरेटेड का हाफ होता है, ये याद रखना, SSBDS याद रखो। अगला पॉइंट, वॉइड रेशो ऑफ सॉइल मास कैन बी, वॉइड रेशो जो होता है मतलब जीरो से कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, जीरो से वन के बीच में हो ऐसा भी नहीं है। जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है, टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 12, अगर वी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वी 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 एस के बराबर हो जाए देन द पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो रेस्पेक्टिवली, अगर वी 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 एस के बराबर हो जाता है तो इसमें क्या होगा, ई जो आ जाएगा हमारा वन आ जाएगा, क्योंकि वी वी अपॉन वी एस होता है, वी वी भी हमारा वी एस के इक्वल हो गया, तो वी वी की जगह वी एस रख लो तो वी एस काटेगा तो वन हो जाएगा, तो ई हमारा वन आ गया। तो एक रिलेशन हमें पता है ये वाला, एन इज इक्वल टू ई वन प्लस ई का, तो वन अपॉन टू तो ये हो जाएगा 0.5, तो पोरोसिटी 0.5 आ जाएगी, ई वन आ जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो हो गया, सैचुरेशन जीरो हो गया तो सैचुरेटेड हो गया सोइल एंड मास अंडर कंसिडरेशन, तो टू फेस हो गया सोइल और जीरो का है, सैचुरेशन इज़ ज़ीरो तो मतलब ड्राई हो गई हमारी, तो सोइल अंडर कंसिडरेशन इज़ टू फेस विथ सोइल एंड एयर, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज ज़ीरो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट रेंज फॉर डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स के करेक्ट रेंज बतानी है,
आई डी इज़ ग्रेटर देन जीरो, आई डी इक्वल टू जीरो, आई डी जीरो से वन के बीच में या फिर बराबर भी हो सकती है जीरो और वन के। तो सही बात है, जीरो और वन दोनों हो सकती है पर नेगेटिव नहीं होती, याद रखना। तो आई डी का जो फॉर्मूला हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं जिसको, एक चीज़ और याद रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर रिलेटिव डेंसिटी बढ़ेगी तो सोइल जो है मोर डेंस हो जाएगी, क्योंकि जीरो पे तो वेरी लूज सोइल होती है। अगर सोइल की जब डेंसिटी बढ़ेगी मतलब मोर डेंस हो जाएगी तो स्पेसिफिक शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये सब बढ़ जाती हैं उसकी। डेंसेस्ट स्टेट में जो है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू वन हो जाती है, डेंसेस्ट स्टेट में जो हो जाएगी आई डी की वैल्यू एक के बराबर हो जाएगी, ये भी याद रखना है हमें। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60% हो जाएगा तो एयर कंटेंट कितना होगा 40%। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल इज 100% देन द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज, वाटर कंटेंट जो है फुली सैचुरेटेड हो गए तो सॉइल मास देन द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज, तो ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी हो जाएगा, एस एक हो गया तो ई की वॉइड रेशियो जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा ई एस डब्ल्यू जी, तो जी जो हो जाएगा इक्वल टू मतलब ई एस डब्ल्यू जी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। इसने कहा वाटर कंटेंट 100% तो 1 हो गया तो जी ई एस के बराबर होगा, सेचुरेशन सेचुरेशन फुल्ली सेचुरेटेड और वाटर कंटेंट भी 100% तो ये तो 100% डब्ल्यू हो गया, सेचुरेशन भी हट गया तो ई जी के बराबर हो गया इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 17, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम पोरोसिटी, ठीक है ये तो पता ही है अपना बेसिक फॉर्मूला पोरोसिटी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टली डेंसेस्ट सैंड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लगभग लगभग 1 के बराबर हो जाती है, क्योंकि 120 नहीं हो सकती तो 0.95 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, सैंड इन सेतु इज इन इट्स डेंसेस्ट स्टेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सैंड इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, दोनों ही क्वेश्चन लगभग बराबर हैं। पर इसमें जो आईपी की वैल्यू है ना प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, प्लास्टिसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, जीरो की तरफ बढ़ेगी, तो रिलेटिव डेंसिटी और प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये दोनों ही अलग अलग टर्म है। ये याद रखना रिलेटिव डेंसिटी और प्लास्टिसिटी इंडेक्स अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा है एक्यूरेट मेथड वाटर कंटेंट निकालने का, जो ये सारे वाटर कंटेंट निकालने के मेथड हैं सबसे एक्यूरेट कौन सा है, तो एक्यूरेट हमें पता है ओवन ड्राइंग मेथड है। इसके और देख लेते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन, बाकी खास खास क्वेश्चन का ही देख रहे हैं। ओवन ड्राइंग मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, लैब जब लैब टेस्ट करते हैं तो इसका जो डिग्री का टेम्परेचर होता है कॉमनली 105 से 110 लिया जाता है। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए टेम्परेचर 60 डिग्री होता है, जिप्सम अगर ऐड करी जाए तो 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है इसका, ठीक है ये भी याद रखना है। सैंड बाथ मेथड एक फील्ड मेथड है, इसमें ऑर्गेनिक सॉइल को अवॉइड किया जाता है। तीसरे नंबर का मेथड है अल्कोहलिक मेथड, मेथैलेटेड स्प्रिट इसमें यूज़ करते हैं, नॉट प्रीफर फॉर ऑर्गेनिक एंड जिप्सम सॉइल। तो पहले में भी सैंड बाथ में भी और अल्कोहलिक में भी दोनों में ऑर्गेनिक सॉइल निकाल दिया, क्योंकि इसमें जो पेपर में आ रहा है अगर तुम UKPSC AE और JEE की तैयारी कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन है वो सिमिलर भी पूछे गए हैं, डायरेक्ट भी पूछे गए हैं और कुछ सिमिलर भी पूछे गए हैं। सिमिलर के लिए इस तरह के आसपास के क्वेश्चन करने ज़रूरी हो जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड मेथड क्विक टेस्ट होता है,
एकदम फील्ड में करने वाला मेथड है, फील्ड में 5 से 7 मिनट में हो जाता है। और इसमें जो गैस करते हैं, यूज़ करते हैं, एसिटाइलिन गैस करते हैं, ठीक है। रेडिएशन मेथड, ये भी फील्ड मेथड है। पिकनोमीटर मेथड बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है, इस यूज फॉर बोथ वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका कभी कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो इसका फॉर्मूला याद करने का जो ट्रिक है वो है 21/34 g-1/g होल ब्रैकेट -1। याद रखना 21/34 g-1/g का होल ब्रैकेट -1। जी यूज़ करते हैं कोर्स ग्रेन सोइल, मींस कोहेशन लेस सोइल के लिए, सैंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फील्ड मेथड कौन सा है वो जो क्विक मेथड है। क्विक मेथड हमने कैल्शियम कार्बाइड मेथड पढ़ा था, और इसमें हमने एसिटाइलिन गैस यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां, पिकनोमीटर मेथड। पिकनोमीटर मेथड जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो 22वें का डी हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, सॉरी 22वें का सी। क्वेश्चन नंबर 23, स्टॉक लॉ जो वैलिड होता है वो बहुत मिनिमम रेंज के लिए होता है, ठीक है। पार्टिकल जो है 0.2 mm से 0.0002 mm तक होता है, मतलब 2 μm तक। इसका एक स्टॉक लॉ का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी निकालने का, g-1 गामा w g d²/18 μ, याद रखना। तो 0.2 mm से लेकर 2 μm तक। क्वेश्चन नंबर 24 भी याद रखो, मेनिस्कस करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। मेनिस्कस करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिफ्लोक्यूलेटिंग जो एजेंट होता है या करेक्शन होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। टेम्परेचर इफ़ मोर देन 27 डिग्री तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। अगर 27 से कम है तो नेगेटिव, ज़्यादा है तो पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर सोइल मास। हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर सोइल मास जो होता है, इसमें बहुत मेनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा नहीं, कोई भी, सब अलग अलग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर सी, मेनिस्कस करेक्शन एडिटिव और डिस्पर्सिंग एजेंट नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोमीटर मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस डिफर्स फ्रॉम द पिपेट एनालिसिस। तो इन दोनों का जो ऑब्जर्वेशन का मेथड होता है, लेने का ऑब्जर्वेशन का तरीका है, वो डिफरेंट है। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। पिपेट हाइड्रोमीटर ऑफ सेडिमेंटेशन बोथ फॉलो सेम प्रिंसिपल, बट टेकिंग ऑब्जर्वेशन इज़ डिफरेंट।